रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ खदीजा ज़हीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज मैं अपने किचन में चिकन करी की रेसिपी लेकर आई हूँ, तो चलिए रेसिपी का आगाज़ करते हैं। जी व्यूअर्स, सबसे पहले एक पैन में 3/4 कप ऑयल डालेंगे, साबुत गरम मसाला डालेंगे, प्याज डालेंगे 2 बड़ी साइज़ के। अब इसमें साबुत हरी मिर्चें और साबुत लाल मिर्चें डालेंगे, साबुत अदरक और लहसुन डालेंगे। प्याज ब्राउन हो गई है तो अब इसको निकाल के इन सब चीज़ों का पेस्ट तैयार करेंगे और इस ऑयल में मैं चिकन ऐड करूँगी और इसको फ्राई करूँगी। नमक शामिल करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। चिकन फ्राई हो गई है तो अब मैं इसे ढककर कम से कम 10 मिनट के लिए कुक करूंगी लो फ्लेम पर। जी व्यूअर्स, जब तक चिकन फ्राई हो रही है मैं पेस्ट तैयार कर लेती हूँ। टमाटर भी मैंने इसी में डाले हैं और ये प्याज जो मैंने फ्राई की थी, अदरक और लहसुन भी इसी में फ्राई की थी, और ये चिली पाउडर है ये 1/2 टीस्पून है, टर्मरिक पाउडर है ये 1/4 टीस्पून है, धनिया पाउडर है 1/2 टीस्पून है, और ये ज़ीरा पाउडर है ये भी 1/2 टीस्पून है, और इस पानी डालेंगे इसमें और अब इन सब चीज़ों का पेस्ट तैयार करेंगे। जी व्यूअर्स, पेस्ट तैयार है और अब मैं इसे चिकन में शामिल करूँगी। जी व्यूअर्स, चिकन मसाला से तैयार है तो अब मैं इसे निकाल लूँगी। जी व्यूअर्स, अब जो पेस्ट बनाया है वो मैं इसमें शामिल करूँगी। पेस्ट में थोड़ा सा पानी डाल के वो भी शामिल कर देंगे इसमें। अब इसको थोड़ा सा भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। नमक शामिल करेंगे हसबी जायका और ये चिकन शामिल करेंगे। अब इसकी अच्छी तरह से हम भुनाई करेंगे और अब इसमें 1/2 कप पानी का शामिल करेंगे। अब इसे 2-3 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे ताकि ये सेट हो जाए। जी व्यूअर्स, माशाल्लाह से हमारा चिकन करी का सालन बिल्कुल रेडी है तो अब मैं इसे डिश आउट करूँगी।